हेलो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आधुनिक तथा समकालीन चित्रकार के अंतर्गत गोपाल घोष जी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोपाल घोष का जन्म 5 दिसंबर 1913 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गोपाल घोष की मृत्यु 30 जुलाई 1980 ईस्वी को हुई थी। गोपाल घोष जी के गुरु का नाम देवी प्रसाद राय चौधरी था। गोपाल घोष ने कला की शिक्षा 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि जयपुर में पढ़ता है, से चित्रकला में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की थी। इसके तत्पश्चात 1936 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि चेन्नई में पढ़ता है, में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में रहकर कला की शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं, तो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता गोपाल घोष जी हैं। कलकत्ता ग्रुप के बोहिमियन कलाकार थे, तो कलकत्ता ग्रुप के बोहिमियन कलाकार गोपाल घोष जी थे। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं, तो भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता गोपाल घोष जी हैं। गोपाल घोष ने अध्ययन कार्य कहाँ कहाँ पर किए, तो गोपाल घोष ने अध्ययन कार्य 1940 से 1950 ईस्वी तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्ययन कार्य किए। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता में 1972 ईस्वी तक शिक्षण कार्य किए। अगले पॉइंट से देखेंगे गोपाल घोष जी के कुछ प्रमुख चित्रों के नाम। चांदनी रात में बेबी 1952 ईस्वी में बनाया, दृश्य चित्र 1953 ईस्वी में बनाए हैं। अनटाइटल्ड 1956 ईस्वी में बनाए हैं। केले का पेड़ 1956 ईस्वी में बनाए हैं। फूल 1957 ईस्वी में बनाए हैं। खेतों में लोग 1958 ईस्वी में। पासाडेना कैलिफोर्निया 1963 ईस्वी में। नदी का दृश्य चित्र 1968 ईस्वी में। मकान अनटाइटल्ड 1971 ईस्वी में। जीवन की सच्चाई गोधुली या डांस, जो कि टेम्परा माध्यम में बनाए थे। ए विलेज नियर मसूरी, ये भी टेम्परा माध्यम में बनाए थे, इत्यादि। यह थे गोपाल घोष जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।